चरभारी के बारे में सुना, चरभारी के सौंदर्य के बारे में सुना, तो दौड़ी चली आई। उसने कहा कि हमें ये मतलब नहीं है कि अगले त्योहार को हम अपने घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर चरखारी के इतने विद्वांस होता है, चरखारी की ऐसी पावर धरती है, तो धरती को प्रणाम करने के लिए हम अवश्य आएंगे। एक छंद से एक नारी विद्या को उठाना चाहते हैं, इसका नाम होता है कुमारी आकांक्ष चंद्रशेखर। चार मुख्य नवाना जी सुनिए कि बेटियों को अभिशाप मानिएगा कभी नहीं, बेटियां भी बातें खुला करके
है।
मीठी सी मिश्री के
8 और चाचा जी से विशेष निवेदन है कि आदरणीय अमित तेजस्वी जी को बिना सुने अगर आप चले गए तो समय जब आपको बच्चे आपसे कहेंगे कि चाचा जी आप बहुत अच्छा का पाठ सुन के चले आए, महात्मा के उत्तराखंड और आपके चाहते हैं और बड़ी दुविधा बीच में फंस गई, एक तरफ चाचा एक तरफ बड़े भाई, मन था अनंत तेजस्वी जी का सुनने का लेकिन आदेश हुआ है कि हमें चाचा जी को सुनना है, आदरणीय तिवारी जी को जिनका सम्मान भी करना है इससे और जिनको हमें सुनना भी है। हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि कितना भी बड़ा कवि हो जब आदरणीय राजेश तिवारी जी के सामने आता है तो वो यही कहता है कि दादा इसमें कहीं कोई गड़बड़ी व्याकरण शेर पढ़ने का लहजा तरीका सब में एक अमर हो और हम निवेदन करना चाहते हैं श्रद्धेय राजेश तिवारी जी से आए और आप लोग जोर तरफ तालियां बजाकर अपने आदर की कुर्सी को भी किसी प्रकार के सम्मान करने से हम भले किया करते हैं। राजेश तिवारी जी बहुत अच्छे कामकाज के बाद आकांक्षा जी के कामकाज के बाद चाचा जी एक बार फिर से सुनी जब घमंडी ने, वाह अदब को ऐसे ही मारा है। यस
बिल्कुल ताजा वजन जो लखनऊ से आते आते मैंने अभी कही है, आपको सुना रहा हूँ कि वफा का रिश्ता नहीं टूटा बेवफा के साथ, वफा का रिश्ता नहीं टूटा बेवफा के साथ, और नमाज इश्क अदा हो गई अदा के साथ, अदा हो गई अदा के साथ, और शेख मुनीरा साहब की निकल के जिस्म से पहुंची मुई जहां की तहां, निकल के जिस्म से पहुंची मुई जहां की तहां, हवा हवा है हवा हो गई हवा के साथ, निकल के जिस्म से पहुंची मुई जहां की तहां, हवा हवा है हवा हो गई हवा के साथ, और मेरी शेर हिफाजत कीजिए साहब कि हवा हवा है हवा हो गई हवा के साथ, और किसी ने दिल से किसी ने ज़बान से की तो क्या, किसी ने दिल से किसी ने ज़बान से की तो क्या, दुआ दुआ है दुआ हो गई दुआ के साथ, आदरणीय मिस्त्री और आदरणीय चाचा जी के कदमों से
सम्मान प्राप्त करते हुए आदरणीय तिवारी जी एक बार जोर का तालियां बजाकर के उन्होंने स्थान पर बैठाने का तरीका है। परम सत्य तिवारी जी, और अब आपको उस धारा को प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं जिसका इंतजार आपको बड़ी देर से था। हमें अभी आदरणीय एक फोन लाने की जरूरत है। मेरे मित्र भाई रोहित जी, सुनील जी, प्रदीप जी, सभी की उपस्थिति को पढ़ा और बहुत शानदार संचालन करने वाले छोटे भाई देवेंद्र जी, सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। हालांकि अभी हमारे बात भी आदरणीय हरनाथ जी को, दादा गोलेवा जी को पढ़ना है। एक निवेदन है कि जब आप आए थे तो पूरा कार्यक्रम सुन के जाना, भले संख्या में कम हो लेकिन पूरा आप लेके जाना पूरा कार्यक्रम, क्योंकि अभी तमाम बहुत अच्छे हस्ताक्षरों को हमें सैलाब नदियों में रवानी हो नहीं सकती, जुलावे पेड़ राह को कहानी हो नहीं सकती, और हाथ खोलना कि वतन के काम ना आए निकल जाए जो सोने में, तो कुछ भी हो परंतु वो जवानी हो, कि जिस दल में रहते हो हमेशा उस दल का सम्मान करो। एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जिस दल में रहते हो हमेशा उस दल का सम्मान करो, जो उस दल का नेता हो, जो जिस दल में रहता हो उस दल का सम्मान करो, उस दल का जो भी नेता हो उस नेता का मान करो, पर जिस भूमि पर चल रहे हो उसका कर्ज चुकाओ। तो भारत मां के अभिनंदन के गीत भला चुकाओ, तो रहे एकता इस भारत में, हम सब भारतवासी हैं, श्री राम सबके रक्षक है, अजर अमर अविनाशी है, तो आओ हम संकल्प उठा लें एक दूसरे के हो ले और एक दूसरे के होकर के भारत मां की जय हो। समाजवादी को चरित्र रहे लोहिया समाज सिपाही हो तो बाबा साहब का मान हो, कि हिंदू हो तो जय श्री राम का हो, उद्घोष हो मुसलमान पूरे मन से अजान हो, तो भारत की आत्मान साथ की जो बात आए सभी के दिलों में ये धड़क आए हो। एक और निवेदन नौजवान से कि झुकर जो पैर चले अपने माँ बाप के, तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे, कि झुकर जो पैर चले अपने माँ बाप के, तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे, कि बड़ों को झुका किसी से बुजुर्गों का लिया से बड़ों ने गए तो मंजिलों को भी पा जाओगे, कि मन में हो स्वाभिमान कहे तो कहो सम्मान स्वाभिमान संस्कार का तिलक जो गुरु जी के पास आए ऐसे वीर सेवा की कहानी को नमन है, कि अभिमन्यु जैसे अधायक लव जैसे शिष्य काम जैसे धर्मवीर दानी को नमन है, वो सहज के पास जाके एक फुला भस्म किया ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। एक बार जोर का तालियों में जवानी को नमन है, कि इमरान खान जो सराफत दिखाओगे तो हम भी तुम्हें सिरराख पर बिठलाएंगे, कि भाई भाई जैसी बात तुम दोहराओगे तो तुमको भी आंख में कजल सा सजाएंगे, कि पर कश्मीर की जो बात दोहराओगे तो तुमको भी भट्टो जैसा सबक सिखाएंगे, वो पहले तो जीता था सिर्फ आज पाकिस्तान वहां बुला के तेरी छाती पे तिरंगा लहराएंगे। Thank you.
तिरंग लगाए और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हो ना होने वाला है बुद्धि की तकरीरों से चेहरा ध्यान में आ गया होगा आपकी कि कुछ ना होने वाला है अब बुद्धि की तकरीरों से कुछ ना होने वाला है अब बुद्धि की तकरीरों से घाटी में ना खाओ लगेगा जहर तुझे इन तीरों से 370 फिर से ला दे ऐसा कोई वीर नहीं 370 फिर से ला दे ऐसा कोई वीर नहीं अब्दुल्ला ये घाटी तेरे अब्बा की जागीर नहीं।